Hey guys, welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss the 5 things that you should know in Filmora. So let's get started. Okay, सबसे पहले क्या आपने देखा होगा कि जो आपका मीडिया होता है, आपकी इमेज या फिर वीडियो, उसको जब आप टाइमलाइन में लेके आते हो तो आप देखते हो कि जो उसका जो डायमेंशन है वो प्रोजेक्ट के डायमेंशन से मैच नहीं करता है। तो इसको आप ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करके आपको एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे लिखा होता है क्रॉप टू फिट, आप इसको क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जो आपका मीडिया है और इसके जो डायमेंशंस हैं वो प्रोजेक्ट के डायमेंशन से मैच कर जाएंगे। दूसरी चीज़, सपोज़ मुझे इस प्लेहेड की पोजिशन में कोई दूसरा फ़ोटो या फिर मीडिया ऐड करना है, ठीक है। तो अगर मैं कुछ ऐड करता हूँ तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से इसने जो वीडियो मेरा प्रेजेंट था उसको स्प्लिट किया, उसको कट किया और उसके बीच में मर्ज हो गया। तो इससे क्या हुआ कि जो मेरा वीडियो ऑलरेडी प्रेजेंट था वो स्पॉयल हो गया है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जिससे कि ऐसा ना हो, आप अंडू करिए। और ये जो ट्रैक है, आप नहीं चाहते कि इसके बीच में कुछ भी आए या फिर ये ट्रैक में अभी कुछ भी ऐड हो, तो आप इसको लॉक कर दीजिए, ठीक है। इसको बोलते हैं टॉगल ट्रैक लॉक। तो इससे क्या होगा कि आप नेक्स्ट चीज़ जो भी आप कुछ ऐड करते हो टाइमलाइन में वो इस ट्रैक में नहीं आएगी, ठीक है, वो दूसरे ट्रैक्स में ऐड होगी। और इससे क्या होगा कि जो आपका मीडिया या फिर वीडियो ऑलरेडी प्रेजेंट है वो स्पॉइल नहीं होगा। ओके, तीसरी चीज़, कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा पूरा टाइमलाइन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है, और इससे क्या होता है कि जो भी मीडिया प्रेजेंट है टाइमलाइन में वो हमें दिखता नहीं है पूरा पूरा एक साथ, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपके पास यहाँ पे एक बटन है, दैट इज़ जूम टू फिट टाइमलाइन, आप इसको क्लिक करिए। इससे क्या होगा कि जो भी आपका पूरा टाइमलाइन है और उसमें जो भी आपका मीडिया प्रेजेंट है वो श्रिंक होकर आपके सामने आ जाएगा, और इससे आपको कन्फ्यूजन्स भी नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट चीज़, मान लीजिए कि ये एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, ठीक है, और इस प्रोजेक्ट में से मुझे ये जो फाइल है फिल्मोरा की जो इमेज है इसको मुझे डिलीट करना है, ठीक है। तो आप इसको क्लिक करिए और इसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है। लेकिन होगा क्या कि इस फोटो की जगह जो स्पेस था उसकी जगह एक गैप आ जाएगा, ठीक है, और इस गैप को कवर करने के लिए मुझे बाकी की जो फाइल्स हैं उसके बाद बाकी की जो मीडिया है वो मुझे इस तरीके से ड्रैग करना पड़ेगा। तो इससे तो बहुत सा टाइम वेस्ट हो सकता है, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट बड़ा होता, मतलब कि अगर बहुत सी इमेजेस फाइल्स यूज़ होती हैं इसमें, तो बहुत ज़्यादा मुझे इसको ड्रैग करना पड़ता और टाइम वेस्ट होता, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वापस अपन उस स्टेप पे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे एक बटन दिखता है, एड्रेस ऑटो रिपल, अभी ये ऑफ है, आप इसको क्लिक कर दीजिए तो ये ऑन हो जाएगा। इसके बाद अगर आप कुछ डिलीट करते हो तो यहाँ पे कोई भी गैप क्रिएट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बाकी की जो फाइल्स हैं वो खुद ब खुद ड्रैग होके उस स्पेस को कवर कर लेंगी, ठीक है। और अगर आप कुछ भी, अगर बीच से अगर आप कुछ भी चीज़ डिलीट करते हो तो वहाँ पे कोई गैप क्रिएट नहीं होता है, और इससे आपका टाइम बच जाता है। सो इट इज़ एडवाइजेबल कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाएं, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, तो आप इस ऑटो रिपल को ऑन कर लें, ठीक है, इससे आपका टाइम बचेगा। ओके, आखिरी चीज़ क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे टाइमलाइन है उसमें बहुत से एम्प्टी ट्रैक्स ऐड हो जाते हैं, ठीक है, और इससे क्या होता है कि जो भी ट्रैक्स हमारे जो ऑक्यूपाइड होते हैं, जैसे कि ये है, ठीक है, ऑडियो ट्रैक्स हैं, वो हमें एक साथ नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको, दैट इज़ डिलीट एम्प्टी ट्रैक्स, आप इसको क्लिक करिए। तो इससे क्या होगा कि जो भी बीच में जो खाली ट्रैक्स थे वो सब डिलीट हो जाएंगे, और जो भी ट्रैक्स आपको यूज़ में हैं, जो भी ऑक्यूपाइड हैं, वो आपके सामने आ जाएंगे, और इससे आपको काम करने में आसानी होगी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड इफ़ यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।